कश्मीर यदि हम जीत लेंगे तो हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। कब्जा करने की बात कौन करेगा? संस्कार बता रहे हैं कि वो खुश कर रहा है उस 20% वोट को कि तुम्हारा कब्जा हिंदुस्तान पे होगा। इसीलिए बटोगे तो कटोगे जो योगी कहते हैं वो समझना पड़ेगा कि बड़े शातिराना अंदाज में, जिसको आप काठ का घोड़ा कहते हैं वो इतना आसान काठ का घोड़ा भी नहीं है, उसने कहा कश्मीर यदि हम जीत लेंगे तो हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। कब्जा करने की बात कौन करेगा? आपके हमारे मुंह से कभी निकलेगा कि कब्जा करेंगे हम हिंदुस्तान पर? कब्जा करेंगे जिसको आप मातृभूमि मां मानते हैं, मां पर कोई कब्जा करता है क्या? ये संस्कार बता रहे हैं कि वो खुश कर रहा है उस 20% वोट को कि तुम्हारा कब्जा हिंदुस्तान पे होगा। और इस बात को मुझे लग रहा है जी, और वो किस तरह से उसका सेना के मन में जहर भरा है, उसको एक सैन्य अधिकारी ने मनीष जी उसको जवाब दिया है, उसका मुंह एक तरह से मुंह काला किया है। और उसमें मनीष जी, जरा पहले मैं बता दूं कि उसमें जिस सैन्य अधिकारी की वो ये जिसकी बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से उसका नाम सुनिएगा। उस नाम को हमारे देश में खलनायक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। और वो कहानी है क्या, ये केवल 2.5 मिनट में आपको इन्होंने समझा दी है कि कितना कांग्रेस किस तरह से हमारे देश की सेना के साथ और सेना के अधिकारियों के साथ कैसा भयानक खिलवाड़ करती रही। ये जरा सुनिए इनके मुंह से, और 2.5 मिनट का है वीडियो केवल। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी एक बात कही कि भारत के सैनिक स्कूल्स पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा थोपी जा रही है, और इस प्रजातंत्र में हमने कभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस और उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस को कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं किया। आज सेना को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही, अपना मॉरल हाईग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरत है कि उनको उनकी औकात बता दी जाए। 1974 में बिहार में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको कहते थे बिहार मूवमेंट या जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। ये मूवमेंट बिहार की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लीडर थे जयप्रकाश नारायण। आगे चल के ये मूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी को अपनी गद्दी पर खतरा दिखाई दिया तो उन्होंने इंडियन आर्मी के मेजर जनरल शाहबेग सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल से कहा कि तुम जाओ और बिहार मूवमेंट को कुचल दो और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके ले आओ। मेजर जनरल शाहबेग सिंह जो एक फौजी हैं, उन्होंने साफ साफ चिट्ठी में लिख दिया कि आप इंडियन आर्मी को पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व मत करिए, हमें राजनीति से दूर रखिए। इंदिरा गांधी खुंदक खा गई। इंदिरा गांधी ने मेजर जनरल शाहबेग सिंह को रिटायर होने से ठीक 2 दिन पहले विदाउट कोर्ट मार्शल डिसमिस कर दिया और उन पर करप्शन का एक गलत चार्ज लगाया। आगे चल के कई साल बाद कोर्ट्स ने बताया कि ये करप्शन चार्ज झूठा था। मेजर जनरल शाहबेग सिंह वो अफसर हैं जिन्होंने 1971 के वॉर से पहले बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें सिखाया हथियार चलाना, और ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान था कि भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बन गया। ऐसे डेकोरेटेड सोल्जर के साथ ऐसा घटिया काम किया इस कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेताओं ने, और आज ये अपने आप को भारत की फौज का मसीहा समझते हैं। मेजर जनरल शाहबेग सिंह का इतना अपमान किया गया कि वो पंजाब में जनरल सिंह भंडरवाले के आर्मी कमांडर बन गए। भारत के खिलाफ उनके मन में भावना नहीं थी, भावना थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी का किया हुआ सुलूक। आखिर में गोल्डन टेंपल में आर्मी ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी वजह से खालिस्तान का भी एक राक्षस पैदा हो गया और भारत के रहने वाले सिखों का अपमान किया गया। ऐसे घटिया काम करती है अपने फायदे के लिए फौज का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी, आज कह रही है कि भारतीय सेना को हमेशा प्रजातंत्र में राजनीति से दूर रखा गया है। अरे तुम सिखाओगे भारत को, भारतीय सेना को, कि राजनीति से कैसे दूर रहते हैं? तुमने तो हर कोशिश करी है भारतीय सेना का इस्तेमाल करने की, वो तो सैनिक है जो तुम्हारे हिसाब से चले नहीं और तुमने उनके साथ गंदा सुलूक किया, इसलिए अपना ये ऊंचा ऊंचा पाठ सेना को मत सिखाना मल्लिकार्जुन खड़गे। जय हिंद। ये बहुत बड़ी बात कही, समझ लीजिए किस तरह से बात की है। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, उस तरह से जैसे बात की जाती है खड़गे कपिल को, जो मैं कहता हूँ उस हिसाब से उस आदमी ने बात की है। और ये मेजर गौरव ने की है, मेजर या कैप्टन के गौरव ने की है, इनके डेकोरेशन वो नहीं लिखी है इनकी पोस्ट। इन्होंने जो मनीष जी बात कही, वो जो आखिर में बात बताई है, जरा वो गौर करें, क्योंकि उस आदमी का नाम मैंने सुना है लेकिन ये कहानी मैं भी नहीं जानता था। सही कहूँ बात कि वो मेजर सुबेग सिंह, और वो सुबेग सिंह जो है नेक्स्ट टू भिंडरा वाले था, और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय वो आदमी मारा गया। लेकिन सुबेग सिंह के पीछे की कहानी क्या थी
ये आपको आज ये गौरव नेगी बता रहे हैं। तो ये कांग्रेस जरा गौर करिए, इसमें जरा एक और एक ग्यारह हो जाता है। ये तो हम लोग कई बार बता चुके कि भिंडरा वाले को पैदा करने वाली कांग्रेस, और उसके साथ जो नंबर दो पे था सुवेक सिंह, उसको भी पैदा किया कांग्रेस ने, और किस तरह से आग लगी जो आज तक पंजाब झेल रहा है। और वैसे ही ये आज इसलिए बड़ा जरूरी था कि आप जरा भिंडरा वाले और सुवेक सिंह की कहानी आपने सुनी, और अब एक राहुल गांधी दूसरा सुवेक सिंह और दूसरा भिंडरा वाले पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसी तरह से देश में दिया सलाई लेके घूम रहा है कि कहां मिट्टी के तेल मिले और मैं आग लगा दूं। ये आज की कहानी का जरा सार है आज आखिर में होने की। बिल्कुल, इसीलिए इस चीज को समझना पड़ेगा कि मतलब एक आंदोलन चल रहा था, जेपी आंदोलन बिहार में शुरू हुआ, छात्र आंदोलन और बिहार का आंदोलन था, वो राष्ट्रव्यापी बना इसलिए क्योंकि इंदिरा ने उसे कुचलने की कोशिश की। ये जानकारी मतलब हमें भी नहीं थी, हम सबको, आज जिस चीज को खोला गया है तब ये लगता है कि कांग्रेस क्यों इस देश पर कब्जा कर रहा था। जब तक ये सत्ता में रहती है तो लूटती है, छिनपती है और अपने आप को शासक मानती है। भाषा जो उस खाट के घोड़े का था, खिन्न होती है सोच करके कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान मेरे हमारे कब्जे में होगा। ये मानसिकता ही आपका पूरे आपका चरित्र बता देता है। ये इसका मतलब, ये मैसेज उस 10-20% लोगों को देते हैं कि तुम जो कहते हो कि गजबाए हिंद, गजबाए हिंद को तुम, गजबाए हिंद का कोई, हाँ बस वही गजबाए हिंद कि तुम्हारे कब्जे में होगा, मेरे कब्जे मतलब तुम्हारे कब्जे में होगा, ये संदेश देते हैं। इसीलिए समझ जाइए कि कहां कांग्रेस मैसेजिंग करती है। और इसीलिए मुझे लगता है सबसे बड़ी लाइन याग योगी आदित्यनाथ के उस बयान को तो हर गली मोहल्ले में बजाना चाहिए, बटोगे तो कटोगे।